हाय गाइस, तो हम लोग अब स्कूबी को डे केयर में ले जाए। क्यों आप पूछ रहे हो? वेल, बिकॉज हम स्कूबी को डे केयर में आज से लेके 6 तारीख तक रखने वाले हैं, क्योंकि हम जा रहे हैं जयपुर, और जयपुर में वेकेशन के लिए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रिप। एवरीथिंग, सब कुछ इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे। बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इन महाशय इनको हम रखेंगे डे केयर में, क्योंकि क्या करें, हमें तो लेके जाना अलाउड नहीं है डॉग्स को, नहीं तो लेके जाते सब जगह में। चलो स्कूबी, चलो लेट्स गो, विल गो टू द डे केयर। तुम रह पाओगे स्कूबी के बिना डे केयर में? ऐसे तो खराब लगता है कि डे केयर में स्कूबी को रखना, लेकिन फिर भी अब क्या करें, एयरलाइंस में अलाउ नहीं है डॉग्स को, तो इसीलिए इस बार हम लोग यहीं पे रख रहे हैं। और लास्ट टाइम भी यहीं पे रखे थे जहाँ पे आज जा रहे हैं। हाँ। तो आप लोगों को दिखाएंगे। और वो लोग बहुत टेक केयर करके रखते हैं स्कूबी को। तो बैंगलोर में माने बेस्ट है पेट केयर में, और बहुत सारे हैं, बट स्कूबी के लिए बेस्ट है, क्योंकि स्कूबी को वो पहले से पहचानते हैं। कोई भी डेकेयर में आप रखो पेट को, लेकिन अगर पेट वहाँ पे रह के ऑलरेडी हैबिचुएटेड है तो वही बेस्ट है उनके लिए। तो चलिए आपको हमारे जर्नी दिखाते हैं, ट्रैवल कैसे कर रहे हैं। तो सुबह को कितना बजे फ्लाइट ले है हमारे, ये डिटेल्स बाद में आपको देते हैं। चलिए, ओके बाय गाइज। मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, जब भी हम बाहर जाते हैं और जब भी स्कूबी का चेन, लीश तो हम नहीं लेते क्योंकि लीश इसने चबा के खा लिया है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम इसके लिए चेन लिए। भाई काटते रहो, चेन नहीं टूटने वाला, क्योंकि इतना हमने लीश खरीदा है और सारा काट के इसने ख़राब कर दिया है। तो अब देखिएगा इसका रिएक्शन। तो ये है स्कूबी का कबर्ड, जहाँ पे सारे स्कूबी के सामान रहते हैं। तो अब हम निकाल रही है, देखिए ये आ चुकी है, शी इज़ वेरी मच एक्टिव नाउ, लुक एट हर। एंड एज सून एज आई टेक दिस चेन एंड हर कॉलर, उसका रिएक्शन देखिएगा। तो मैं अभी लेने वाला हूँ, रिएक्शन देखिएगा उसका, ठीक है? मैं ये ले रहा हूँ, अब उसका रिएक्शन देखिए। बस देखिए देखिए देखिए, अब यहाँ पे इसको रख रहे हैं और इसको देखिए, शुरू हो गया, बस इसको शुरू हो गया, देखिए देखिए इसका रिएक्शन यही है, ये देखिए। उसको पता है कि वो शांत से इस तरह अगर बैठेगी तो हम लोग उसको ले जाएंगे, तो ये है इसका रिएक्शन। तो अभी चलो रेडी हो, यू वांट टू गो जावी, सिट डाउन गुड गर्ल, स्टे देयर इफ यू स्टे देयर, स्टे चुपचाप, वी कैन स्टे। बस 4-5 दिन के लिए तुम अपने वेकेशन में जाओ, हम अपने वेकेशन में जा रहे हैं, ठीक है? लगा दो अभी। चलो गो टू बेड स्टे। बाहर जाने में इसको इतना एक्साइटेड होता है दोस्तों, मतलब जब भी हम लोग बोलते हैं जाने के लिए, बस ये स्कूबी का पेशेंस का टेस्ट है। तो जितने भी आप अपने पेट को पेशेंस सिखाओगे वो उतना ओबीडिएंट होगा। तब मैं ये हाथ में लीश लूंगा, बट शी शुड नॉट कम हियर, ये है पेशेंस टेस्ट। नो, गो टू योर बेड, ये एक दो बार इस तरह करेंगे, लेकिन ये यही है पेशेंस। पहले तो ज्यादा ही, मतलब और भी एंजाइटी था, वो यहाँ से जाएगी नहीं, मतलब जब तक हम लोग बैठने के लिए नहीं बोलेंगे वो सब नहीं करेंगे। तो ये सब जो है ये आपको सिखाना है आपके पेट को।
गुड गर्ल कम हियर। तो आपको उसको पेट करना पड़ेगा और तो चलिए स्कूबी भी रेडी है, हम भी रेडी है एंड हमारे प्यारे स्कूबी को रख के आते हैं। ठीक से रहना, ठीक है, खाना वाना ठीक से खाना और एकदम नॉटी गिरी नहीं। ओके ओके स्कूबी, गुड गर्ल ना। ओके ये स्कूबी का ब्लैंकेट है, स्कूबी का बेड वहाँ पे है जो कि ऑलरेडी घर में ही रहेगा और ये वाला हम लोग डे केयर में देंगे ताकि वो वहाँ पे जाके भी महसूस करे कि ये उसी मतलब वो घर ही में। बेसिकली स्मेल उसको आना चाहिए, उसी का स्मेल आना चाहिए, नहीं तो वो एंजाइटी हो जाता है उनको। और उसका वो जो है एक खाने का बॉल वो जो है वो एक गाड़ी में है तो उसको लेके जाएंगे। स्कूबी का बॉल है तो उसको भी हाफ खाना खाइए, स्कूबी का हैबिट है हमेशा हाफ खाती है और थोड़ी देर बाद में फिर से खाती है। तो अभी तो जा रही है वहाँ पे से खाना देंगे वो लोग, फिर भी हम लोग सुबह को थोड़ा सा खाना दे दिए उसको, तो उसके बाद अभी जाएंगी महारानी वहाँ पे रहने। महारानी जी चलिए आस्ते 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 आराम से। उसका बेल्ट थोड़ा टाइट कर दो लूज था दादा। सुमारो एक ही आवाज, सबका एक ही आवाज है, खाली सुरसुरी आवाज। ये देखिए स्कूबी कहाँ बैठ गई है ड्राइवर सीट लीज लगाने के लिए। तो अभी आ गए फिलहाल हम लोग देखे में दादा स्कूबी। वेट वेट वेट, तुम हिलो मत, तुम खोलो मत, तुम खोलोगी तो एक्साइट होगा। देखिए ये फॉर फाइव डेज
बाटी नीचे है, सीट का नीचे देख। उसका बैग लेना हो गया, उसका अभी वाटर बाउल लेना बाकी है, मील बाउल। तो बॉल भी हो गया, अभी इसको भी जा रहे हैं। इसको भी बाय। तो ये देखिए आगे इसको क्या हो गया पैर में, वो आज ही आया है क्या? चल अंदर जाने, चलो चलो अंदर, चलो अंदर ले जाओ, अकेले क्या लेके आऊं क्या? भाग जाएगी, भागने में बहुत उस्ताद है, भागने में बहुत उस्ताद है। लास्ट टाइम ऐसा भागा, फिर रूपा को ढूंढना पड़ा। हाँ, यही भागे, यही है भागने वाली, यही है। ये हम लोग भाग निकले थे, वो साइड से दरवाजे के साइड से निकल के भाग गई थी। ठीक है, बाय बाय। उसका बाय मत बोलो, बिना जाने चाह जाओ, चल थोड़ा देखिएगा ना, थोड़ा सा। 6 को लेके जाएंगे खाना, आप लोग कब? 6 तारीख। ऐसे हम लोग को देते हैं कितना, 11 बजे और रात को ना। हाँ, रात को ठीक है, कोई बात नहीं, वो खा लेंगे। ठीक है, वो ठीक है। तू भी बाय बाय। हाँ, नो नॉट बाय बाय, आसती अपन ही आसती दारा, स्टे जाओ, पैक करे आशो, पैक करे आशो। हाँ हाँ, सच्चा सच्चा तू भी आसती है मैं लो इधर आके बैठना बंदो। 6 तारीख को आएंगे लेने के। ठीक है, शाम को रूपा को बोल देंगे। हाँ, ठीक है, रूपा को बोल देंगे। ठीक है, आपका नाम भैया? उसका नाम राहुल। राहुल और आप? पवन। पवन, ठीक है ठीक है, रूपा को बोल देंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा देखिएगा, थोड़ा डरपोक है, चिंता नहीं है, थोड़ा घुलने मिलाने की बहुत ट्राई की। चलो बोलो, चलो स्कूबी का हो गया बोर्डिंग, और यहाँ पे ये जो एक के बाद एक गुंडू मणि, ये देखिए इसका नाम है गुंडू मणि। गुंडू मणि मोटू है, क्या मिक्स है क्या ये दूसरे मतलब ब्रीड के साथ में? लैब्राडोर के साथ में मिक्स है ना, पूरा नाटू है ना, पूरा छोटू मान। गुंडू मणि बाय बाय, उधर नहीं जाना, टाइम खाने का हुआ ना। वहीं से ठीक है भैया। हाँ, चलते इधर आओ, गाड़ी इधर है। नहीं नहीं, वो है क्या? अच्छा, ये इनका बीगल था ना, एक तो बीगल मर गया। नहीं नहीं नहीं, इनका खुद का रूपा का बीगल था ना, दो तो वो है अंदर, 5 है। तो स्कूबी का बोर्डिंग हो चुका है, फिलिंग बैग, फिलिंग बैग क्या करें।
तो बस हम जा रहे हैं अभी अभी, हमको तो आज रात को वेट करना है और उसके बाद हम लोगों को वेट करना है और उसके बाद हमको तो कल हमारा सुबह को है हमारा फ्लाइट, सुबह को हमारा फ्लाइट है 6:55 को। तो अगेन अभी घर जाके पैकिंग वैकिंग ये सब करना है, कैब के लिए भी वेट करना है, तो कैब कल हमारा सुबह को 4 बजे आ रहा है, पार्चर 7:45 को है। बट जल्दी जाना इज गुड डिसीजन क्योंकि कभी कभी फ्लाइट डिले पोस्ट प्रीपॉन तो नहीं होता है लेकिन पोस्टपॉन ही होता है, बट फिर भी यू नेवर नो, पहले से जाके सब कुछ यू नो क्लियर करना इज गुड क्योंकि अगर रश रहेगा देन आपको बहुत टाइम लगता है, तो दैट्स व्हाट वी डू। तो अलग सबका अपना अपना ओपिनियन है। ठीक है गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट कल और व्लॉग को आज यहीं पे एंड करते हैं, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे स्कूबी के लिए लॉट्स ऑफ लव दीजिएगा। ओके बाय, टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते, बाय।